हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रेखा शर्मा, आपके यूट्यूब चैनल लाइफ विद रेखा शर्मा में आप सबका स्वागत करती हूँ। होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं क्या सिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मलाई से घी निकालने के बारे में कह रही हूँ। तो घी, जब आप घी निकालें तो मलाई को 1-1.5 घंटा पहले फ्रीजर या फ्रिज से पहले बाहर निकाल के रख दें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, आप हमेशा मलाई उसी बर्तन में निकालिए जिस बर्तन में आप डायरेक्ट मलाई से मक्खन निकाल सको। इससे आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और आपको उलटाने में परेशानी भी नहीं होगी और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी कि मेरे को इस बर्तन से दूसरे बर्तन पे मलाई पलटनी है। आप डायरेक्ट उसी में करो और देखो, बर्तन को एक दूसरे में उलटाने में ही हमारी बहुत सारी मलाई वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये आपको कहती हूँ, जिस बर्तन में आप मलाई रखोगे उसी बर्तन में आपने मलाई को निकाल के मक्खन या घी निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, अपने फ्रेंड्स किसी इलेक्ट्रिक को उसका यूज़ नहीं करना। आपने छोटी मदानी होती है ना लक्कड़ की, उसको यूज़ करना है। आपने उससे मक्खन निकालना है, उसको जैसे आप मक्खन निकालते ही होंगे उससे आपने मक्खन निकाल लेना है। फ्रेंड्स, जब आपकी मलाई मदानी से करते करते थिक हो जाए ना, तो आपने गर्म पानी करके उसमें डालना है। देखो कितनी थिक हो गई है, दिख रहा है ना। तो आपने गर्म पानी करके, फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, आप लक्कड़ की ये मदानी का यूज़ करेंगे। और इसको आप देखिए, डायरेक्ट मेरा मक्खन निकल चुका है और मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है। और इलेक्ट्रिक होते तो आप गैस के ऊपर ऐसे नहीं रख सकते थे। फ्रेंड्स, जब अच्छी तरह मदानी से मक्खन निकल गया ना, तो मैंने मदानी को निकाल कर एक बड़ी सी कड़छी ले ली है, बड़ी लेनी है आपने नोक वाली। तो उससे आपने इसको अच्छी तरह हिलाए जाना है, अच्छी तरह हिलाना है ताकि नीचे ना लगे आपका कोई भी चीज़, जले ना, नीचे ना लगे आपकी मलाई या आपका। फ्रेंड्स, ऐसे हिलाते हिलाते करते करते घी निकल गया। और यहाँ आप कुछ भी काम किचन में कर लो, साथ साथ इसको हिलाते रहो। इससे आपका पतीला ज़्यादा जलेगा भी नहीं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी पतीले को साफ़ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, निकल गया ना घी, देखिए कितना अच्छा लगा। फ्रेंड्स, घी निकालने के बाद आप कंटेनर ले लो सूखा, बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा रखिए, सुखा लीजिए। तो मैंने यहाँ कांच का कंटेनर लिया है घी डालने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए ये घी निकल गया है और आप इसको कंटेनर में अपना पलट दीजिए ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स, इस ऐसे तरीके से आप घी निकालेंगे ना, आपका कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी और बहुत अच्छा घी निकलेगा और आप भी खुश हो जाएंगे ऐसा घी निकाल के। और देखिए फ्रेंड्स, पतीले को जब पूरा निकल जाए, फ्रेंड्स घी जब निकल जाए तो पतीले को ऐसे उल्टा कर दीजिए। ये फ्रेंड्स मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ऐसे सिखाया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है पर उनके एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा घी निकल गया है, कोई वेस्टेज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई ताम झाम नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए 3 दिन की मलाई से कितना घी निकला है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई पतीले की, पतीले को कैसे साफ़ करें। तो इसको आप गर्म पानी डाल देंगे, इसमें गर्म पानी करके उसमें आपने विनेगर और मीठा सोडा डाल के 2 घंटे के लिए रख। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो फिर लाइफ विद रेखा शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आगे इसी के साथ मैं आपको करती हूँ बाय बाय।